नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2018 के इम्पोर्टेंट तथ्य। दोस्तों, ये तथ्य हो सकते हैं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मददगार होंगे, तो आइए नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2018 में टोटल 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटें चाहिए तो वो बहुमत से अपनी सरकार बना पाएगी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए तो कोई भी दल अपनी सरकार बना सकता है। 200 सीटें टोटल विधानसभा की सीटें राजस्थान में हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो टोटल 90 सीटें छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र से है, जिसमें बहुमत के लिए किसी भी दल को अपनी सरकार बनाने के लिए मिनिमम 46 सीट्स चाहिए। मिजोरम की अगर बात की जाए तो टोटल 40 सीटें वहां पर है विधानसभा क्षेत्र की, और बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी को मिनिमम 21 सीट्स चाहिए। और तेलंगाना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टोटल वहां पर 119 सीट्स है और किसी भी पार्टी को बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए मिनिमम 60 सीट चाहिए। तो ये हमने देखा टोटल विधानसभा की जो सीटें कितनी है इन क्षेत्रों में, और टोटल बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल को अपना बहुमत पक्ष में रखने के लिए कितनी सीटें चाहिए। अब हम नजर डालते हैं एरिया वाइज। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जाए 2018 के, तो टोटल 230 विधानसभा क्षेत्र यहां से थे, टोटल 230 विधानसभा की सीटें यहां से हैं, जिसमें अगर बीजेपी की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको 109 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है, और आप इनकी जीत का प्रतिशत देखेंगे तो है 47% समथिंग कुछ है, और इनकी जीत का जो परसेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 41% समथिंग कुछ है। वहीं पे आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो इनको जो सीटें मिली है वो मिली है 114 पर इन्होंने जीत प्राप्त करी है, और इनकी भी अगर आप जीत की इनकी सीटों का प्रतिशत देखेंगे तो इनकी सीटों का प्रतिशत 49% है, और इनका भी अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 41 समथिंग कुछ है, राइट। और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स में आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक सीट एसपी की है, दो बीएसपी की है और चार निर्दलियों की है, तो इनका अगर आप विन परसेंट देखेंगे तो 4% है। अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों आप साथ देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है जिसमें आप ये जो रंग सैफ्रॉन रंग देख रहे हैं ये बीजेपी है, और जो ब्लू कलर है ये कांग्रेस की सीटी जीते, और जो ये एक्स्ट्रा में है पिंक ये अदर्स है। तो आप एरिया वाइज क्लासीफाई यहां से कर सकते हैं किस एरिया में किस दल को जीत प्राप्त हुई है। अगर हम जीके के पर्पज से दोस्तों एक और बात करें तो यहां पर अभी बीजेपी की सरकार थी जो कि पिछले 15 सालों से काम कर रही थी। एक और आप यहाँ पर तथ्य देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि बहुमत के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है 116 सीटें चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत नहीं मिला है। मतलब कि जो अन्य दल के साथ सीटें हैं, अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है तो कांग्रेस अपना सरकार बना लेगी, या फिर अगर बीजेपी के साथ जाती तो बीजेपी के पास भी चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर किसी पार्टी के स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपना करंट अफेयर पढ़ने के लिए ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके मन में एक आपके दिमाग में एक इक्वेशंस मैच कर सके कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की इक्वेशंस रही है। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम इन पर स्पेसिफिक कौन मंत्री बना, क्या इनके करंट अफेयर है, क्या नई योजनाएं ये लाते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो उन सबको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नए से नए अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स, डेली अवेयरनेस आपको मिल सके। अब हम राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से जो अगर हम बात करें तो 199 सीट्स पर यहाँ पर रिजल्ट हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 73 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को विन प्राप्त हुई, और इनकी जीत का प्रतिशत 37% रहा है। कांग्रेस की बात की जाए दोस्तों, तो कांग्रेस को यहाँ पर 100 सीटें मिली, जो कि एग्जैक्टली 50% होता है, और चूंकि 199 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ, 199 सीटों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, विधानसभा क्षेत्रों का निष्कर्ष निकला है, तो 100 सीटें यहाँ पर बहुमत के लिए काफी है, क्योंकि आप इसको हाफ करेंगे तो 99.5 मिलेगा, और उसके बाद 100 यहाँ पर लीड, मतलब यहाँ पर कांग्रेस अपने दम पर सका बना सकती है। और अदर्स की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अदर्स 26 सीटें हैं। अब दोस्तों, राजस्थान के पिछले 25 सालों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बनती है। अगर पिछले 25 सालों से देखेंगे आप बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर 5 साल बाद बीजेपी, कांग्रेस, तो ये यहाँ का ट्रेंड रहा है। और अगर यहाँ पर आप विन परसेंटेज की बात करेंगे तो कांग्रेस का 50% विन प्रतिशत रहा है लगभग,
बीजेपी का 37% और जो अदर्स हैं उसमें बीएसपी एसपी और निर्दलीय उनका सबका मिला के 13% रहा है। ये राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के कुछ तथ्य हैं। अब हम बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टोटल 90 सीटों पर विधानसभा क्षेत्र है, 90 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को 15 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, मतलब उनकी जीत का प्रतिशत है 18%, और कांग्रेस को 68 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और इनका जीत का प्रतिशत है 80%, और अदर्स जो है इनको 7 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और इनकी विन का प्रतिशत है 2%। यहां पर भी इस राज्य की अगर बात की जाए तो पिछले 15 सालों से रमन सिंह, माननीय रमन सिंह जी की सरकार थी, और इस बार किसकी सरकार बनती है, उनके मंत्रियों की क्या लिस्ट होगी, कौन नया मुख्यमंत्री होगा, उनकी भी हम आपको जानकारी आने वाले वीडियोस से आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के कुछ तथ्य हैं। मिजोरम की दोस्तों अगर बात की जाए तो मिजोरम में टोटल 40 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें बीजेपी को 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहां की, वहां का विधानसभा क्षेत्र है पूरा। कांग्रेस को यहां पर 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है, MNF प्लस को 26 सीटों पर प्राप्त हुई जीत, और अदर्स को 8, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मिनिमम 21 सीट्स चाहिए रहती है, तो यहाँ पर MNF प्लस के पास 26 सीटें हैं, मतलब सरकार बनाने के पूरे चांसेस MNF के पास हैं। आप उनका मैप में विन विक्ट्री देख सकते हैं एरिया वाइज, और आप इनकी जीत का प्रतिशत भी देख सकते हैं, MNF का 78%, कांग्रेस का 15%, बीजेपी का 3% और अदर्स का 4%। अब दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश में पहले था, आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन हुआ तो तेलंगाना आया, तेलंगाना की भी राजधानी अभी हैदराबाद है, और तेलंगाना में अगर आप बात करें तो 1 सीट बीजेपी को यहाँ पर प्राप्त हुई है, और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को प्राप्त हुई है, उनकी जीत का प्रतिशत 1% है। TDP और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनको यहाँ पर 21 सीटें प्राप्त हुई है और उनकी जीत का प्रतिशत 18 है। TRS और AIMIM की बात की जाए तो इनको यहाँ पर 88 सीट्स मिली है विधानसभा क्षेत्र की, और इनकी जीत का प्रतिशत है 74%, और अदर्स की अगर बात की जाए तो इनको 9 सीटें मिली जिनकी जीत का प्रतिशत है 7%। आप ये एरिया वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी का क्या जीत रहा है। तो तेलंगाना में भी दोस्तों आप अगर देखें तो TRS और AIMIM लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, और ये जो तथ्य हैं दोस्तों, ये तथ्य हमने GK के पर्पज से डिस्कस किए हैं। हमारे आने वाले वीडियोज में हम इन 5 राज्यों से और पूरे इंडिया के जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, नई योजनाएं क्या हो सकती है, नई योजनाएं क्या आती है, क्या इनके मंत्रियों की लिस्ट रहती है, और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, जो भी आपके लिए हम पॉसिबल होगा पूरी कोशिश करेंगे आपको तुरंत पहुंचाने की। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।